बता ही दिए हैं पहले, तो हम लोग फिर अलग हो गए। वो अलग हो गए तो उसी में वो, चूंकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम ना जी, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है ना 14 की कहानी लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते हैं उनको नहीं पता है, पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को और कोई दूसरा नहीं नाम दिया था। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका उनका ठीक रूप नहीं था, तो दो ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में नहीं माने, बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए इधर। अब बाद में फिर जब ये आए तो कह के रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोगों की, आप जानते हैं ना विरोधी दलों की, यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि वो मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, आप मिल करके फिर हमारे यहां भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था, अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे, अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको, तब फिर हम तो उसी तरह रत्नेश सदा को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना है जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं, मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं, तीसरा टाइम। तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे, तो हमने इसको बुला लिया मुख्यमंत्री, तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत। अब मेरा बिहार बदल रहा है, और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।